15 लाख रुपया लेके प्रत्याशी से मुझे पैसा मांगा गया है। मैं बसपा की वजह से मैं जेल भी गया हूँ, मैं मुकदमा भी लड़ा हूँ। अशोक गौतम और कागज राजू गौतम, लेकिन बड़े नेता नहीं आते मौके पे, जिन्होंने बहुत ही संघर्ष करके 5 करोड़ रुपए अपना लगा करके बीजेपी के कैंडिडेट से संपर्क करके रुपए लेके और वोट कर्मण करवाए। उन लोगों ने जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है। उन्होंने अन्य दल वालों से बीजेपी वालों से पैसा लेकर जो है वो ट्रांसफर कराया है। जो है मैं तो बोला हूँ कि दलालों फ्रॉडों को निकालिए पार्टी से, मैं तो खुद ही बोला हूँ। और आज पैसा ही लेके आज उनको छोटा सा शब्द इस्तेमाल करके कह रहे पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण 4 लोगों को निकाला गया। डॉक्टर नीतू कनौजिया, यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जा रही है। आते हैं फर्जी जो है यहाँ क्या कहते हैं समीक्षा लेने का कार्य करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं काम करते हैं। कागज पे केवल का पदाधिकारी बनाते हैं। 15 लाख रुपया लेके प्रत्याशियों से और कागज, इन लोगों ने बहन जी का कार्यक्रम नहीं लगाया। कौशाम्बी में 15 लाख रुपया लिया गया। कौन पैसा लिया? यही अशोक गौतम और कागज राजू गौतम। 45 लाख तीनों विधानसभा से लिया गया था और कार्यक्रम नहीं लगाया गया बहन जी का। पंचायत में पैसा लिया गया इसे, यही लोग लिए हैं राजू गौतम और अशोक गौतम, सब पैसा लिए हैं। दो पदाधिकारी ऐसे हैं और कुछ नहीं आए कौशाम्बी जिले से, जो बीजेपी के कैंडिडेट से संपर्क करके रुपए लेके और वोट कर्मण करवाए हैं। इस वजह से आज हमें दर्द है। राजू गौतम, अशोक गौतम और एक महेंद्र गौतम है, कौशाम्बी से नहीं आए, पूर्व जिला अध्यक्ष। हमारे यहाँ जो कौशाम्बी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हैं रमेश गौतम को जो बनाया गया है, इसके पहले 2019 में उन्होंने कागज महेंद्र गौतम के ऊपर आरोप लगाया था कि भाजपा से विनोद सोनकर से आप पैसा लेके भाजपा का आपने समर्थन किया है। आज उसी आदमी को वहाँ का कौशाम्बी का जिला अध्यक्ष बना दिया गया रमेश गौतम को। रमेश गौतम ने ही आरोप लगाया था महेंद्र गौतम के ऊपर कि पैसा लेके वो संसद में जो चुनाव हुआ था 2019 में पैसा लेके कागज कौशाम्बी के जिला अध्यक्ष महेंद्र गौतम ने पैसा लिया था सांसद कौशाम्बी विनोद सोनकर। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ईमानदार कार्यकर्ता हैं जिनको कौशाम्बी से 4 लोगों को निकाला गया है, ये बहुत अपने खून पसीने से पार्टी को मजबूत किए और इनको आज निकाल दिए गए, इसलिए जो है हम आज दुखी हैं। और जिन प्रत्याशी ने 5 करोड़ रुपए खर्च करके आज बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ा, पूरा मेहनत किया, उनको आज आरोप लगा करके निकाल दिया गया कि आप जो है अपनी वोट जो है किसी दूसरे पार्टी को जो है सपोर्ट करवा दिए, इसलिए आप हार गए, इसलिए उनको हटा दिया गया। और धीरे धीरे इसी तरह जो ईमानदार कार्यकर्ता हैं, चाहे वो विधानसभा लेवल में हो चाहे वो जिले लेवल में हो, सबको इसी तरह बैकआउट किया जा रहा है पार्टी से। अब मैं अपनी बात जो है बहन जी तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो ये बेईमान है पार्टी में, जो दलाल है, बेईमान है नाम, जैसे अशोक गौतम है, राजू गौतम है, जो जिला अध्यक्ष है, इनको जो नए जिलाध्यक्ष बने हैं ये भी उन्हीं दलालों के कहने पे बनाए गए हैं, रातों रात बनाए गए और किसी से पूछा नहीं गया है। एसपी प्रत्याशी जो है किनको निकाला गया? डॉक्टर नीतू कनौजिया जी को, जिन्होंने बहुत ही संघर्ष करके 5 करोड़ रुपए अपना लगा करके जो है पूरा चुनाव लड़ा। हमारे कौशाम्बी के जो बहुजन समाज पार्टी के मंझनपुर विधानसभा के प्रत्याशी थे डॉक्टर नीतू कनौजिया, उन्होंने अपने खून पसीने से पैसा लगा के जो चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनको हराने के लिए राजू गौतम और ये अशोक गौतम, इन लोगों ने खूब पैसा लिया और आज पैसा ही लेके आज उनको छोटा सा शब्द इस्तेमाल करके कह रहे पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण 4 लोगों को निकाला जा रहा। डॉक्टर नीतू कनौजिया, सुनील पटेल जी, प्रदीप गौतम जी और पूर्व प्रमुख शैलेंद्र गौतम जी को निकाला गया झूठा मूठा आरोप लगाकर, जो कि चोर और बेईमान यही है। और हमारे ईमानदार कार्यकर्ताओं को वहाँ से पार्टी से पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण झूठा मूठा कहकर निकाल दिया गया। जिला पंचायत सदस्य जो है जिला पंचायत का चुनाव लड़े थे, आप ही आरोप लगा रहे थे, क्या कहें? नहीं, 50,000 रुपया
₹50,000 मांग रहे थे, ठीक ना। कौन मांग रहा वो? विधानसभा अध्यक्ष सुरेश गौतम, वो मांग रहे थे कि ₹50,000 लिया जा रहा है और आप बढ़ा के दीजिए, आपको टिकट मिलेगा, ठीक ना। हमने कहा हम पैसा नहीं देंगे, पुराने कार्यकर्ता हैं। तो ये जो राजू गौतम हैं, ये लोग हैं अपने मन का केवल जातिवाद अपनाते हैं, व्यक्ति विशेष की पार्टी बना करके बहुजन समाज पार्टी को छोड़ दिए। जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, और जो नए जो दलाल टाइप के हैं, फ्राड हैं, दलाल हैं, घूसखोर हैं। अरे ये सुरेश गौतम हो गए, और ये जो राजू गौतम लोग, ये लोग सब वो करते हैं। अशोक गौतम नहीं बोल रहे हैं। मैं तो बोला हूँ कि दलालों फ्राडों को निकालिए पार्टी से, मैं तो खुद ही बोला हूँ। मुझे पैसा मांगा गया है, मैं बसपा की वजह से मैं जेल भी गया हूँ, मैं मुकदमा भी लड़ा हूँ, लेकिन बड़े नेता नहीं आते मौके पे, और जो ईमानदार कार्यकर्ता उसको नजरअंदाज किया जाता है, केवल व्यक्ति विशेष की पार्टी बना के बसपा को छोड़ दिए। माननीय महेंद्र जी ने जो है प्रदेश के तीन जो प्रभारी भेजे हैं समीक्षा लेने के लिए, उन लोगों के सामने मैंने अपनी बात को रखा है। जो यहाँ मंडल और जिले में गड़बड़ी हो रही है, मैंने उन लोगों के माध्यम से बहन जी तक अपनी बात को पहुँचाया है। मैं जानता हूँ कि वो लोग बहन जी तक अपनी बात को नहीं पहुँचाएंगे, तो मैं आप लोगों के माध्यम से बहन जी तक अपनी बात को पहुँचाना चाहता हूँ। साथियों, हम लोगों को जो ये बहन जी के आँख कान नाक जो बने थे मंडल के कोऑर्डिनेटर, जिनको बहन जी ने विश्वास जताया था, जिन पर उन लोगों ने जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है, उन्होंने अन्य दल वालों से, बीजेपी वालों से पैसा लेकर जो है ऑन ट्रांसफर कराया है, जो है कौशाम्बी में राजू गौतम, यहाँ अशोक गौतम, ये तानाशाही, इनके विरोध में जो बोलता है उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है, जो सही बोलता है उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है, और पार्टी में पहली बार किसी को बोलने नहीं दिया जाता है। तो मैं आप लोगों के चैनल से बहन जी तक बात पहुंचाना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि ये कोऑर्डिनेटर सब मिले हैं, सब एक है, ये सब एक दूसरे के साथ रहते हैं। कोऑर्डिनेटर जो है ये केवल हम लोगों को शांत कराने के लिए जो है ये लोग जो है हम लोगों को जो है हम बात जो है लेने के लिए कि इन लोगों क्या है, हम लोगों को बात वहां तक नहीं पहुंचाएंगे। तो मैं